जहां आपको ये दिखाई दे रहा है कि हमारे धन का सदुपयोग है, साधु सेवा है, जन सेवा है, जो भी जैसा, जहां आपको लग रहा है वो आपके हृदयेश्वर भगवान बैठे हुए, ऐसा शीतलता हो रही कि हमारे पास से दो रोटी का ये ज्यादा भाव है तो हम उनको दे सकते हैं, दे दीजिए। किसी की भूख मिटाने के लिए, किसी की सर्दी को बचाने के लिए, किसी की रोग निवृत्ति के लिए, उसमें हमें पात्रता नहीं देखनी, पर किसी को नगद पैसे देने के लिए इसमें पात्रता देखनी पड़ेगी। वो आपसे पैसे किसी बहाने से लेकर शराब पीता है, जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है, तो आप भी उसके सहयोगी होंगे। हम ऐसी जगह धन को दें जहां हमारे धन का भागवतिक प्रयोग हो, यहां भी मंगल और वहां भी मंगल। तो अब इस पर तो अपनी बुद्धि देखनी पड़ेगी कि अपनी बुद्धि से आपको विचार करना है। वो खुद भगवान सबके अंदर बैठे बता देते हैं, इतनी तो चतुराई भगवान ने दी है ना। मान लो आपसे कोई मांगे भी, आप अंदर एक सेकंड थोड़ा रुकिए और उनसे पूछिए तो अंदर आ जाएगा, नहीं बस फिर नहीं देना, हमें चालबाजी पसंद नहीं। अंदर के मालिक जैसा कहें वैसा करो, क्योंकि सब उन्हीं का वैभव है। और जहां आपको ऐसा लगे, मान लो कोई बीमार आदमी है, कोई ठंडी में कांप रहा है, तो आप उसकी औषधि की व्यवस्था कर दीजिए, आप उसके कंबल की व्यवस्था कर दीजिए। संत जन है, उनके पास भोजन की जो भी जैसा, अर्थ बहुत सोच समझ के दीजिए। बहुत लोग ऐसे अर्थ मांगते रहते हैं, तो वो सब अपने भाव के विपरीत पड़ेगा। आप जो मनावे श्री जी को भोग लगा, एक मतलब अपने को छुपा के रखो।